भाई दूज की कहानी। नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान की जीत में। बंधुओं, एक समय की बात है, एक बूढ़ी माँ थी, उसके एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री का विवाह हो चुका था। एक दिन भाई दूज के त्योहार में बेटे ने अपनी माँ से बहन के घर जाने का अनुरोध किया। तब बूढ़े माँ ने कहा, बेटा तेरी बहन तो बड़ी कालिया है, वो हर वक्त लड़ती झगड़ती है, तो उसके घर जाकर क्या करेगा। बेटे के अनुरोध करने पर बूढ़े माँ ने उसे अनुमति दे दी। भाई अपने बहन से मिलने के लिए घर से निकलता है। रास्ते में उसे नदी मिलती है। नदी बोलती है, मैं तेरा काल हूँ, तुझे पानी में डुबोऊंगी। तब भाई कहता है, मैं कई साल बाद अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ, उससे मिलके आने दो, फिर वापस आते वक्त मुझे डुबा लेना। तो नदी मान जाती है और उसे रास्ता दे देती है। थोड़ा आगे बढ़ता है तो रास्ते में उसे सर्प मिलता है। सर्प बोलता है, मैं तुम्हें डसूंगा। तब भाई कहता है, पहले मुझे अपनी बहन से मिलकर टीका लगवा लेने दो, फिर तुम मुझे डस लेना। सर्प भी उसे रास्ता दे देता है। अब वह आगे बढ़ता है। आगे जंगल में उसे एक शेर मिलता है। शेर कहता है, मैं तुझे खाऊंगा। तो भाई उसे भी बोलता है कि मैं पहले अपनी बहन से मिलकर टीका लगवा लेता हूँ, फिर लौटते समय मुझे मारकर खा लेना। शेर भी उसे रास्ता दे देता है। और अब भाई अपनी बहन के घर पहुँचता है और आवाज लगाता है कि देख बहन, सात कोस दूर से तिलक कराने तेरा भाई आया है। बहन उस वक्त सूत काट रही होती है, तब उसका सूत बीच में ही टूट जाता है। यह मान्यता है कि यदि सूत काटते वक्त सूत बीच में ही टूट जाए, जिस बहन के इकलौता भाई होता है, वह सूत जब तक पुनः जड़ नहीं जाता, तब तक बहन बोलती नहीं है। भाई बाहर से उसे आवाज लगाता है। भाई की आवाज सुनकर बहन जवाब नहीं देती। तो भाई मन में सोचता है, मुझ गरीब से मेरी बहन बात नहीं करना चाहती। माँ सही कहती थी, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। यह सोचकर वह वापस जाने लगता है। इतने में बहन का सूत पुनः जड़ जाता है और वह भाई को आवाज देती है और उसकी तरफ दौड़ती है और उसे बात न करने का कारण बताती है। बहन बड़े प्यार और स्नेह से अपने भाई को घर में ले जाती है और वह अपनी सहेली पड़ोसन के घर जाती है और उससे पूछती है, सहेली कोई जान से भी प्यार मेहमान आए हैं, क्या करना चाहिए। पड़ोसन मजाक में कह देती है, तुम्हें तेल से चौक लगाना चाहिए और घी में चावल पकाना चाहिए। भोली बहन पड़ोसन का मजाक समझ नहीं पाती और वैसा ही करती है। और अब ना तो चौक सूखता है और ना ही चावल पकते हैं। इधर भूखा भाई उससे कहता है, बहन भूख लगी है, खाना परोस दो। तब बहन बोली, भाई आज तो चावल पक रहे हैं और चौका सूख रहा है। भाई ने पूछा, कैसे? तो तूने चौक लगाया और कैसे तूने चावल चढ़ाए। बहन बोली, मैंने पड़ोसी सहेली से पूछा था, उसने कहा जान सा प्यारा मेहमान आए तो तेल का चौक लगाना और घी में चावल चढ़ाने चाहिए।
भाई बोला, अरे मेरी भोली बहन, कभी तेल का चौक सूखता है और कभी घी में चावल पके हैं, तो पानी का चौक लगा और पानी में ही चावल चढ़ा, फिर वह ऐसा ही करती है। जब चौक सूख जाता है और चावल पक जाते हैं, तब उसने घी और शक्कर डालकर भाई को भोजन कराया और फिर उसके तिलक करती है। कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन भाई बोला, बहन अब मैं घर वापस जाना चाहता हूँ, माँ अकेली है। अगले दिन सुबह बहन जल्दी उठकर गेहूँ पीस कर भाई के लिए लड्डू बनाती है और कुछ लड्डू बच्चों के लिए रखकर अपने भाई को देकर विदा करती है। सुबह जब बच्चे उठते हैं तो माँ से खाने को मांगते हैं, तब माँ उन्हें वही लड्डू दे देती है। तब वह देखती है कि ये क्या, सारे लड्डू हरे रंग के हो गए हैं। फिर वह चक्की में देखती है तो उसमें गेहूं के साथ एक सर्प भी पिस गया था। वह उन लड्डुओं को फेंक देती है और फिर अपने भाई के पीछे भागती है। रास्ते में एक पेड़ के नीचे उसका भाई बैठा होता है। उसे देखकर बोला, क्या हुआ बहन? तब बहन पूछती है, मैंने तुझे जो लड्डू बांधे थे वो कहाँ हैं? तेरे लड्डू मैंने अभी नहीं खाए हैं, पेड़ पर टांगे हैं। ले, वह पेड़ से लड्डू उतारती है और वहीं गड्ढा खोदकर उन लड्डुओं को गाड़ देती है। फिर अपने भाई को सारी बात बताती है। भाई बोला, बहन तूने एक बार तो मुझे मौत से बचा लिया, लेकिन मैंने पीछे कईयों को साई देकर आया हूँ। और बहन को सारी बात बताता है। वे दोनों बैठे वहाँ बात कर ही रहे होते हैं कि बहन भाई से पानी मांगती है। भाई बोला, थोड़ी दूर एक तालाब है, वहाँ से मैं भी पानी लेकर आता हूँ। बहन बोली, मैं खुद जाती हूँ और पानी पीकर वापस आती हूँ। वो पानी पीने तालाब पर पहुँचती है तो देखती है कि वहाँ एक बुढ़िया बैठी है। वो उसके पास जाकर पूछती है, माँ तुम यहाँ क्यों बैठी हो? तब वह बुढ़िया बोलती है, मैं विधाता हूँ, एक बहन के भाई की कांत गाड़ रही हूँ। तब वह पूछती है, माता वो कौन भाई है? तब विधवा बोलती है एक भाई जिसके प्यार में उसकी बहन ने सर्प की हत्या कर दी। बहन सोचती है, ये तो मेरा ही भाई है। वह घबरा जाती है और विधाता से पूछती है, माता उस भाई को इस श्राप से बचाने के लिए क्या करना होगा? विधाता उसे बताती है कि उसकी एक बहन है, जब वो उसे गालियां दे और उसकी शादी होने तक यदि वह उस पर आने वाली हर घात को टाल देती है तो उसका भाई बच सकता है। वो तुरंत अपने भाई के पास जाकर तुरंत कहती है, भाई मैं तुझे माँ के घर तक छोड़ने चलूंगी, लेकिन रुक मैं अभी आती हूँ। और वो शेर के लिए मांस, सर्प के लिए दूध और नदी के लिए ओढ़नी लाती है और दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं। रात में उन्हें सबसे पहले शेर मिलता है। जैसे ही वह भाई को खाने के लिए आगे बढ़ता है, बहन उसके आगे मांस का टुकड़ा डाल देती है। शेर मांस के टुकड़े को खाने में लग जाता है और दोनों भाई बहन आगे चले आते हैं। और दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं, आगे उन्हें वो सर्प मिलता है। और जैसे ही सर्प उसे दसने के लिए आगे आता है, बहन सर्प के आगे दूध का प्याला रख देती है। सर्प दूध पीने लगता है। वह दोनों आगे चलते हैं। रास्ते में उन्हें नदी मिलती है।
जो भाई को डुबाने को तैयार होती है, पर वह नदी को और निहुरा देती है। खुश होकर नदी रास्ता दे देती है। अब वे दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं और अपने घर पहुंच जाते हैं। बेटी को देख करके माँ खुश हो जाती हैं, पर बहन उसी समय भाई को गाली देने लगती है। तब माँ बेटे से कहती है, इस कलिया बहन को क्यों ले आया? तब भाई बोलता है, माँ बहन तो बहुत अच्छी थी, पता नहीं पर इसे आते आते क्या हो गया। थोड़े दिनों में भाई का रिश्ता आता है। तब वो सब कहती हैं, बहन पागल तो है पर भाग्यवान है। पर जब ससुराल वाले सगाई के लिए मिठाई लाते हैं, तो बहन कहते हैं, इसकी मिठाई क्यों बांटते हो? पहले मेरी मिठाई बांटो। कई बड़े बुजुर्ग बोले, इसे भी भाई के साथ बैठा दो। सगाई शुरू होती है, वहां आग लग जाती है। बहन को तो पता ही था कि उसके भाई का घात है। उसने तुरंत ही वह आग बुझा दी। अब कि दिनों बाद शादी के कार्यक्रम शुरू होते ही, परंतु बहन हर समय भाई के साथ रहती थी। जब भाई की निकासी होने लगी, तब बहन बोली, अरे इसकी निकासी क्या करते हो? पहले मेरी निकासी करो और इसे पीछे के दरवाजे से लेकर आओ। बहन के इतना बोलते ही आगे का दरवाजा टूटकर गिर जाता है। सब कहते हैं, भले ही वह कलिया है, पर बराबर भाई की जान बचा रही है। जब भाई फेरों में बैठता है, तो फिर बहन कहती है, इसकी जगह मैं फेरों में बैठूंगी। शादी के बाद जब दूल्हा दुल्हन की रात जागती है, तो बहन कहती है, इसकी नहीं, पहले मेरी रात जगाओ। कई लोग बोले, बीच में पर्दा लगा कर इसे भी साथ में सुला दो। रात में जब भाई और भाभी सो जाती हैं, तब वहाँ एक सर्प आता है। बहन तो तैयारी में ही बैठी थी, वह उसे पकड़कर टोकरी में रखकर सो जाती है। आज वह कई दिनों में निश्चिंत होकर आराम से सोई है। इधर उसकी माँ सोचती हैं, बेटी के उठने से पहले ही मेहमानों को विदा कर देती हूँ, वरना फिर शोर मचाएगी। जब बेटी उठकर देखती है, तो घर में कोई नहीं दिखता। वह माँ से पूछती है, माँ सब मेहमान कहाँ चले गए? तब माँ कहती है, बेटा सब मेहमानों को विदा कर दिया है। तब बेटी बोलती है, माँ सब मेहमानों को वापस बुलाओ, तभी मैं विदा होंगी। उसके कहने के अनुसार माँ सभी मेहमानों को वापस बुलाती है। तब वो माँ से कहती है, माँ आज के दिन के लिए ही मैंने पालने में पूत और दूल्हे पर दूध छोड़ा था और पागल हो गई थी। मेरे इस भाई पर सात घात थी, उसे टालने के लिए मैं ऐसा कर रही थी। सुनकर माँ और भाई बहुत खुश हो जाते हैं और सबसे पहले अपनी बेटी को विदा करते हैं और उसके बाद सभी मेहमानों को विदा कर देते हैं। इस दिन के बाद से ही हर बहन अपने भाई की लंबी उम्र की कामना से भाई दूज का त्योहार मनाने लगी। इस दिन बहन भाई का टीका करती है और कथा को सुनती है। दोस्तों, यह धार्मिक कहानी यदि आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और ज्ञान की चर्चा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।